गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अगेन चैप्टर 1 रिलेशनशिप इन फैमिली एंड चैप्टर 2 एन एक्सटेंड फैमिली का रिवीजन करने जा रहे हैं। बेटा, इन दोनों को मैंने आज क्वेश्चन कंबाइंड कर दिए हैं और आंसर आप मेरे साथ साथ देने वाले हो, ठीक है? क्योंकि मैं आशा करती हूँ अब तक आपने अच्छे से उसको लर्न कर लिया होगा, है ना बेटा? चलो अब हम शुरू करते हैं रिवीजन चैप्टर 1 एंड 2। फर्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। 1, ए न्यूक्लियर फैमिली को हम क्या कहते हैं? देखिए आंसर क्या होगा बेटा, ए स्मॉल फैमिली। 2, अंकल सन, अंकल के सन को क्या कहते हैं? हाँ, कजन। तो लाइन में ढूंढिए कजन, आप सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं और ऐसे इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा? इसके बाद 3, माई मदर्स डॉटर, मेरी मम्मी की बहन को मैं क्या कहूँगा? सॉरी, डॉटर यानी बेटी को क्या कहूँगा? हाँ, आपकी सिस्टर हुई ना, इज माई सिस्टर, इसलिए आप इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, है ना? 4, अवर फर्स्ट स्कूल, आपका पहला स्कूल कौन होता है? हाँ, हमारी फैमिली ही हमारा पहला स्कूल होता है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करेंगे और साथ में आप नंबर भी लिखते जाएंगे। अवर बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स मतलब जो आपको जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत होती है, तो वो है आपका फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। तो यहाँ आप 5 नंबर लिखेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, तो आप इस तरह से इसका मैचिंग करेंगे। मैचिंग करने में ध्यान रखना, आपको नंबरिंग जरूर लिखनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, आपको जो ये लाइन लिखी हुई है इनके लिए 1 वर्ड्स में आंसर देना है। एन अडॉप्टेड चाइल्ड हैज, एक अडॉप्टेड चाइल्ड के होते हैं फॉस्टर पेरेंट्स, तो आप लिखेंगे यहाँ इस तरह से फॉस्टर पेरेंट्स, ओके बेटा? नेक्स्ट है 2, वी लर्न फ्रॉम अवर फैमिली, हम हमारी फैमिली से क्या सीखते हैं? गुड मैनर्स, लव, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, है ना, बहुत सारी चीज़ें, डिसिप्लिन वगैरह, ये सब सीखते हैं। तो उसमें से किसी एक के बारे में यहाँ लिखना है, क्योंकि आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है बेटा? ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ लिख सकते हो। 3 है वी मीट अवर रिलेटिव्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, कब मिलते हो आप अपने रिलेटिव से? फेस्टिवल पर या स्पेशल ओकेजन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 है ए फैमिली डेट कंसिस्ट ऑफ ग्रांड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजन, तो इज ए, मतलब ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड फादर भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, अंकल, आंटी, कजन भी होती हैं, और वो सभी मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, उस फैमिली का नाम क्या होता है? जॉइंट फैमिली। तो यहाँ आपको क्या लिखना है बेटा? जॉइंट फैमिली। ओके बेटा, फेस्टिवल यू लाइक टू सेलिब्रेट द मोस्ट, ऐसा फेस्टिवल जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या जिसको मनाने में आपको बहुत मज़ा आता है, वो दिवाली हो सकता है, ईद हो सकती है, गुरु पर्व हो सकता है, दुर्गा पूजा हो सकती है, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ लिख सकते हो। मैंने, मुझे दिवाली पसंद है इसलिए मैंने दिवाली लिखा, या इसको हम दीपावली भी कहते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं या जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। 1 है ब्रदर, कजन, फैमिली एंड सन। तो बेटा, मैंने फैमिली को ही सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि दीज आर रिलेशंस, है ना, ये रिलेशनशिप के नेम है। जैसे ब्रदर, आपके भाई को हम ब्रदर कहेंगे, कजन, सन, बट फैमिली सभी को, सभी रिलेशन जहाँ आपस में मिलते हैं, जहाँ सब एक साथ रहते हैं, उस जगह को हम फैमिली कहते हैं। फूड, जॉय, शेल्टर एंड क्लोथ, दीज आर बेसिक नीड्स, बट जॉय इज खुशी, है ना, तो दिस इज डिफरेंट, इसलिए हम इसको सर्कल लगाएंगे। 3, स्टेपू, लंगड़ी टांग, बर्थडे, 7 टाइल्स, दीज आर गेम्स, बस बर्थडे इज ए ओकेजन, इसलिए हम इसको
सर्कल लगाएंगे। तो अब आपको आज मैंने फिर से चैप्टर 1 और 2 का लर्न करवाया है बेटा, आपको अच्छे से लर्न हो गया ना। इस सबको आप कॉपी में ज़रूर लिख लेना, मैं आपको फिर से इसको इसकी PDF भेजूंगी आपको, तो आप इसका अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना, और ताकि याद हो जाए और लर्न ज़रूर कर लेना, है ना। जो 8 डेट है हमारी, 8 जुलाई है, उस दिन आपका क्या है, पेपर है, तो आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। जय हिंद।